अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप लाइटरूम एप्लीकेशन को, कि हम एडोब फोटोशॉप लाइटरूम एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने मोबाइल में किस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, इसकी कम्प्लीट डिटेल आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर दें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एडोब फोटोशॉप लाइटरूम एप्लीकेशन में हम किस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो वीडियो एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। दरअसल फोटो एडिटिंग मतलब कि एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है, उसके बाद यहाँ पे आपने स्किप करते जाना है। यहाँ पर आप जो है वो अपनी जो है आई डी के साथ जो है मतलब कि अगर आपके पास गूगल आई डी है गूगल आई डी से कर लें, अगर फेसबुक आई डी है फेसबुक से कर लें, और उसके बाद आपने जो है अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप साइन इन करेंगे अपनी गूगल आईडी के साथ, जिस भी आईडी से आपने करना हो तो ये आपके पास यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है तो आपको इंटरफेस आ जाएगा। जब यहाँ पे हम जैसे मैंने हमने गूगल आईडी दी है तो वो पूछ रहे हैं कि वी हैव फाउंड एन एग्जिस्टिंग एडोब अकाउंट, तो हम कह रहे हैं कनेक्ट विद गूगल अकाउंट, ठीक है। तो हम कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपका जो है अकाउंट जो है क्रिएट होगा तब ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने पर ये आपके पास जो है वो इंटरफेस आ गया। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपने प्रीमियम वर्जन लेना है तो आप यहाँ पे फी पे करेंगे, लेकिन हमने जो सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करके अपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपने जो है वो फी पेमेंट कर देनी जितनी इनकी होगी, ठीक है। देन आपने इसको क्रॉस कर देना है, क्रॉस करके हमने जो है फ्री प्रीमियम यूज़ करना है। यहाँ से वो असेस मांगेगा आपसे, अलाउ कर देना आपने ताकि आप और फाइल्स जो है अपनी इसके अंदर एडिट कर सकें। तो अब यहाँ पे गैलरी गैलरी वाला ऑप्शन आ गया, जो आपकी गैलरी के अंदर जो आप वीडियोज या मतलब फोटोज़ वगैरह पड़ी हुई तो वो वहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी जो भी आपने एडिट की हुई होंगी फाइल्स वगैरह पिक्चर वगैरह तो ये यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। और यहाँ पर डिस्कवर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर डिस्कवर वगैरह स्कोप वगैरह जो भी इनकी जो कम्युनिटी वगैरह सेविंग वगैरह फीचर्स वगैरह आते रहते हैं, इफेक्ट्स वगैरह जो आपने यूज़ करने होते हैं, मतलब यहाँ पे फीचर्स आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मतलब कि एक किस्म के एनिमेशन वगैरह होते हैं, इफेक्ट्स वगैरह होते हैं जो आपने यहाँ पे इसके लिए चूज़ करने होते हैं। यहाँ पे आप जो है वो कंटेंट वगैरह भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एनिमल्स ब्लैक एंड वाइट क्लोज अप, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री वगैरह सब मतलब यहाँ पे इवेंट्स वगैरह मतलब कि आपके पास यहाँ पे टॉपिक भी आए हुए हैं, जो जिस जिस टॉपिक पे आपने चूज़ करके इफेक्ट वगैरह लगाना है या एनिमेशन वगैरह लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप फॉर यू पे आएँ तो हमारे लिए जो भी मतलब कि आपके लिए काब है जो भी आपके ट्राई करना चाहें तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। गैलरी में आते गैलरी में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पिक्चर है। अब इसको हमने एडिट वगैरह करना हो तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, इन टूल को यूज़ करते हैं। क्रॉप करना है तो यहाँ हमसे इससे हम क्रॉप वगैरह कर सकते हैं ईजीली, ठीक है जी। किसी भी एंगल पर रोटेट करना हो तो आप यहाँ पे रोटेट करके टिक पे करेंगे तो ये आप रोटेट हो गया और क्रॉप भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग वगैरह देनी हो इसके ऊपर तो आप क्या वो हेडिंग भी दे सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ जो है जहाँ पे ब्लू ब्लू आएगा ना ये प्रीमियम का यूज़ है होगा, ठीक है। यहाँ पर अब कलरिंग वगैरह आपने जो कलर वगैरह करना है, ठीक है। आप कलर जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको कलर का इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, चेक करें ब्लू कलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब कलर वगैरह आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं यहाँ पे आप इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं इजीली। डिटेल्स वगैरह मतलब यहाँ पे आप शार्पनेस ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें तो वो यहाँ पर आप ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।